कश्मीर में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते रहे और सीधी बात बाद में बोली गई हमको 19 जनवरी को कि भाई ऐ ज़ालिमो ऐ कातिलो कश्मीर हमारा छोड़। तो नहरे वो देते थे ना, हमें चाहिए पाकिस्तान पंडतान के बगैर पंडतान के समीप, हमारे बगैर पंडतानियाँ हमारी ज़रूरत थी उनको, ये नहरे चलते थे ना। पाकिस्तान चाहिए उनको मगर पंडतानियाँ हमारी चाहिए, हम पंडित नहीं चाहिए, पंडित को उनको मारना था, बहुत सारे मार दिए। आप ये कहते थे आप क्यों भाग गए, आपको जगमान ने निकाला, उसने निकाला। मैंने कहा हमने ना जगमान ने निकाला ना किसी ने निकाला, हमने आप लोगों ने निकाला। मैं वहाँ कहता हूँ फारुकुल्ला को शर्म भी नहीं आई, गवर्नमेंट को, हम गवर्नमेंट थे उस वक्त, गवर्नमेंट ही था तो और क्या था, नेशनल की गवर्नमेंट चल रही थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही थी, हमें, हम भी थे कांग्रेस में, कांग्रेस की मोहर हमें ठपा था, तो इसलिए हमको भगा दिया वहाँ से, यहाँ से भागो। फारुकुल्ला ने रिज़ाइन दे दिया तो गवर्नर फिर जगमोहन जी आए। अब वहाँ जो आवाज़ उनकी है, अरे जगमोहन ने निकाला इनको, इनको तो हमने नहीं निकाला, मगर ये फैक्ट नहीं है। हाँ, जगमोहन ने एक चीज़ की कि कर्फ्यू लगाया, हम पे अटैक नहीं हुए उस वक़्त, और हम लोग रातों रात निकलना शुरू हो गए, और हम मुश्किल से छोटे छोटे बच्चे थे, लड़कियाँ थी, वो थी, माएँ थी, बहन थी, निकाले। तो भी जगमोहन का शुक्रिया है, उस वक्त गवर्नर का था, गवर्नर जगमोहन था बेचारा, उसने भी ये रखा हमें कि दाना पानी उसी ने रखा है, उसकी बदौलत, जगमोहन की बदौलत ये दाना पानी हमें रखा। इसमें और मैं अंडरलाइन करूंगा कि बाकी की सरकारों ने कुछ तो मदद करी होगी देश देश में जो बाकी रहे, जम्मू कश्मीर की सरकार बिल्कुल उस वक्त मानने को नहीं तैयार थी, इसलिए कोई भी प्रकार, हाँ सिर्फ एक छोटा सा पीरियड जगमोहन जी का जो 4-5 महीने का रहा, उन्होंने कुछ वैष्णो देवी के यहाँ से टेंट लगाकर या इस प्रकार की उन्होंने स्टेबलाइज किया। बाकी सरकार में भी हमदर्दी तो दूर छोड़ दीजिए, रिकग्निशन करने के लिए तैयार नहीं था। जब कश्मीर में हालात बहुत खराब हो गए और जगमोहन जी को इंस्टॉल किया गया गवर्नर, और 19 जनवरी को जब रात को हालात खराब हो गई, शुरू हो गया 6-7 बजे शाम को ये नाराबाजी, उनको पुलिस से और अपने दफ्तर से या इंटेलिजेंस एजेंसियों से इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ये हमने दे दी उनको। मेरे मित्र हैं अनुपम कौल, उसने जगमोहन जी को फोन लगाया कि आपको पता है क्या हो रहा है कश्मीर में, क्योंकि जब उन्हें ज्वाइन किया था वो जम्मू में थे 3-4 दिन के लिए, आपको पता है हो रहा है ये हो रहा है कश्मीर में, ये हो रहा है कश्मीर में। और उसी रात को हमने सब ने आपस में कि कहां पर क्या हो रहा है क्या, और हम ने देखा पूरे कश्मीर में ये क्योस, ये एक एनार्की करना चाहते थे। इनका प्लान था चलो लाल चौक और 10 लाख लोग लाल चौक में बैठ कर ये डिक्लेयर करते कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर, ये प्लानिंग थी, लेकिन जगमोहन ने एकदम से कर्फ्यू लगा दिया। और जब कर्फ्यू लगा दिया तो किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं, जगमोहन को क्ल्यू ही नहीं है कि कश्मीरी पंडित कैसे निकले, जगमोहन को बिल्कुल पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे खुद को पता नहीं कि हमारी मासी बुआ पुफी वो कब निकले, तो जगमोहन को कैसे पता होगा। जगमोहन का कोई लेना देना नहीं है, ये एक फॉल्स नैरेटिव बीबीसी ने किया, ये फॉल्स नैरेटिव इंडिया की अपोजिशन पार्टियों ने किया, और मैं कहता हूं कि इनको देशद्रोह लगना चाहिए। ऐसे लोगों को देशद्रोह लगना चाहिए जो जगमोहन का नाम लेते हैं, क्योंकि जगमोहन का लेना देना ही नहीं, जगमोहन हैड नो क्ल्यू एट ऑल। और जगमोहन को सिचुएशन समझ में आ गई 15 दिन के बाद, जब हम निकले हुए थे, जब निकल रहे थे, जगमोहन ने कौन सी बस निकली, कौन से बस में थे, हमने किसी को ट्रक मिल गई, किसी को बस मिल गई, किसी को वो हमारे घर के पास में ऑटो वाले को, क्यों जगमोहन ने बोला कि इनको वहां बस स्टेशन छोड़ दो, जबकि मैं बता दूं कि बसें भी नहीं थी, और जगमोहन चाहते थे हम ना निकले,
जगमोहन हमको निकालने की कोशिश नहीं करते, रोकने की कोशिश कर रहे थे कि आप निकलो, यहां संभलेगा, यहां संभलेगा। लेकिन हमने जो काइंड ऑफ सिविल वॉर देखा था, आर्म्ड सिविल वॉर, नॉट वाज़ सिविल वॉर, इट वाज वॉर, तो उस वॉर में हमने देखा कि मतलब फौज को पूरी तरह से ऑर्डर नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी इंक्वायरी होनी चाहिए कि व्हाट वाज इंडियन राट हुई, व्हाट वाज इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज डूइंग, और अगर रॉ इंडियन इंटेलिजेंस, स्टेट पुलिस, बीएसएफ इंटेलिजेंस, कम से कम 10 किस्म की इंटेलिजेंस कश्मीर में है, अगर वो इंफॉर्मेशन भेजते थे, ये कौन रोकता था, एक्शन के लिए कौन रोकता था, इसकी बहुत बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पर व्हाइट पेपर इशू होना चाहिए। कश्मीर की हालत इतनी खराब नहीं,